इनके हाथ से ना आपको एक खूबसूरत सा गिफ्ट देना चाहता हूँ। और गिफ्ट पता क्या है, ये बजाज की तरफ से नया प्लेटिना कम्फर्ट टैक्स 110। कॉन्ग्रेचुलेशन उस्मान भारती जी, आपको मिलता है बजाज मोटरसाइकिल से द वर्ल्ड फेवरेट इंडियन की तरफ से नया बजाज प्लेटिना 110 कम्फर्ट टेक टेक्नोलॉजी। कार्तिक कृति ये इनको भेंट कीजिए। तो उस्मान जी बाइक पे बैठिए, पीछे भी किसी को बिठाइए और 70 देशों की सैर पे निकल जाइए। हमें आपको बाइक दिया, थैंक यू तो बोलो। मैं मुझे बाइक मिली क्या सर? असली चाबी बन जाएगी और आपको अच्छी बाइक मिल जाएगी। आपको मोटरसाइकिल मिली है, बाइक बाइक आपको मोटरसाइकिल गिफ्ट मिली, आपको नहीं चाहिए आपको नहीं चाहिए तो अर्चना जी मांग रही थी, उनको दे देता हूँ। अरे नहीं नहीं, आप तो बोल रहे हैं मैं प्यार करता हूँ, दे दो बाइक। अरे नहीं भैया, थैंक यू। पर ये आपको आपकी बाइक हुई, आप क्या? नहीं मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा और मैं बहुत दिनों का बहुत ही पुराना फैन हूँ आपका, और दिल की तमन्ना थी आज भगवान ने मेरी सुन ली। थैंक यू शुक्रिया, धन्यवाद। हूँ आपके सामने मोहम्मद मोहसिन अंसारी, आप देख रहे हैं साइन ए हिंद न्यूज चैनल। साइन ए हिंद न्यूज चैनल में आज उस्मान साहब से बात करेंगे जो कि कपिल शर्मा शो से एक बाइक जीत कर लेकर आए हैं और भोजपुर नगर पंचायत का नाम रोशन किया है। आइए बात करते हैं उस्मान भाई से। उस्मान भाई आप बाइक जीत कर लाकर आए हैं कपिल शर्मा शो से, आपको कैसा महसूस हो रहा है? हाँ सर, मुझे बहुत खुशी है और मेरे घर परिवार वालों को यानी कि गांव बस्ती वालों को यानी कि जो मेरा भोजपुर मुरादाबाद है सभी को मुझे मेरी इस परफॉर्म की बहुत खुशी है क्योंकि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे और इतने कम समय में इतनी जल्दी पहुंच गया मैं और वहां जाकर के लोगों को लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया या लोगों ने इतनी मोहब्बत दी और कपिल सर ने मुझे इतना बड़ा गिफ्ट दिया जो शायद अभी तक किसी को ना दिया हो। आपको कैसा महसूस हो रहा है इतना बड़ा गिफ्ट लेकर? मुझे बहुत अच्छा लगा कि बजाज कंपनी की मेरे को गाड़ी मिली है, बहुत बहुत अच्छा लगा। आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से यही अपील करना चाहूंगा कि जैसे कि आपके अंदर भी अगर कुछ टैलेंट है और आप भी अपने दिल के अंदर कुछ उमंग रखते हैं तो अपने टैलेंट को अपने जमीर के अंदर कभी छुपाइए नहीं, उसको उभारिए। जैसे कि मैंने उभारा, ये हमारे डायरेक्टर नाजिर हुसैन खड़े हैं, इन्होंने एक चैनल बनाया लकी तिरंगा और उसपे मुझे और अपने आप को लेकर के साथ में दोनों ने मिलकर बहुत। लकी तिरंगा के डायरेक्टर नाजिर हुसैन भी हमारे साथ मौजूद हैं, आइए बात करते हैं नाजिर हुसैन साहब से। नाजिर हुसैन साहब आपको कैसा महसूस हो रहा है कि आपके चैनल में काम करने वाले उस्मान भारती बाइक जीत कर लेकर आए? सर मुझे बहुत ही खुशी है, जब मुझे पता चला उस्मान भारती साहब का अचानक मेरे पास फोन आया, बम्बई गए हुए थे किसी काम से, कि नाजिर भाई मेरा सिलेक्शन हो गया उस्मान उसमें कपिल शर्मा कॉमेडी शो में। तो मैंने लोगों से बताया कि उस्मान भारती साहब को बाइक मिली है लेकिन लोगों ने यकीन नहीं किया, मेरी मजाक बनाई। लेकिन जब मार्च 2 तारीख में जब उनका रात में लाइव प्रोग्राम आया तो लोगों की आंखें खुल गई और बधाइयों के ढेर सारे मेरे पास मासी जाए और अभी भी मेरे पास बहुत सारी कॉल्स आ रही हैं कि मेरी बात करा दीजिए उस्मान भारती साहब से, बात करा दीजिए। काफी लोग बहुत खुश है, पूरा भोजपुर बहुत ज्यादा खुश है, सब बहुत, मैं बहुत खुश हूँ। जो कि इतने बड़े टैलेंट है कपिल शर्मा शो के लोगों को उस्मान भाई ने एक झलक में ही दीवाना कर दिया। हम बात करते हैं उनसे कि ऐसी कौन सी आवाज निकाली थी उस्मान भाई, ऐसी कौन सी आवाज निकाली थी आपने जो कि? सर आवाजें तो काफी हैं बट उनको जो आवाज कुछ ज्यादा पसंद आई तो मतलब जैसे कि मिमिक्री मैंने लेडीज आवाज में की थी और मैंने बोला था उनको कुछ लेडीज आवाज में अल्फाज बोले थे कि बुलबुल को फूल को खुशबू पसंद है, बुलबुल को फूल को खुशबू पसंद है, मेरी पसंद ये है, मुझे कपिल शर्मा पसंद है, कुछ ऐसे वर्ड मैंने बोले और कुछ मिमिक्री जो उनको ज्यादा पसंद आई बकरे की आवाज मैंने सुनाई उनको तो सर ये सब कुछ उनको बहुत अच्छा लगा और बहुत खुश हुए वो लोग, तो मुझे इतना बड़ा गिफ्ट दिया जो शायद अभी किसी को नहीं मिला हो। ऐसी कौन कौन सी आवाजें आप निकाल लेते हैं जरा हमारे चैनल पे, जो आप आवाज निकाल के दिखाइए? जैसे कि बुढ़िया की आवाज है, लड़की की आवाज है, जैसे और लल्ला मेरे घर में ना है ट्रैक्टर चिल्लाड़ी, अरे मेरे घर में ना है मरी चल ट्रैक्टर चिल्लाड़ी और मेरा नाम है अम्मा दुखियारी,
ये बुढ़िया की आवाज थी। इस दरमियान में बुढ़ा, अरे मियाँ, अरे तुम्हारे हुस्न को हुस्न शराब कहते हैं, अरे मियाँ हमारे डंडे को कल्लू नवाब कहते हैं। सर जैसे पब्लिक का मनोरंजन, मतलब पब्लिक जिस चीज को जैसे चाहती है वैसे कोऑपरेट कर लेता हूँ। चलिए, खैर आपको कैसा महसूस हुआ, खैर मैं जानता नहीं है, कमेंट में कर बताइए। और आज हमने आप सब मुलाकात कराई थी उस्मान भारती से, जो कि नगर पंचायत भोजपुर के रहने वाले हैं, जिला मुरादाबाद में। ठीक है, शुक्रिया।